आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउटनेट। तो आज का हमारे गिवन क्वेश्चन हमसे पूछा गया, द मिनिमम वर्क डन विल बी इफ द एंगल बिटवीन द इम्प्रेस्ड एंड द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमको बताना है कि गिवन एंगल में से 90, 60, 45 और 0 में से किस एंगल पे हमारा जो वर्क डन है वो मिनिमम होता है। तो वर्क डन मिनिमम पता करने के लिए पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला देखते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारा, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। तो ये हमारा एक डॉट प्रोडक्ट है। क्या हमारा डॉट प्रोडक्ट है? तो डॉट प्रोडक्ट में वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो एफ और एस तो ये मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो मिनिमम होनी चाहिए। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कौन सी होती है हमारी? कॉस थीटा की वैल्यू बतानी हमें मिनिमम वर्क डन। मिनिमम वर्क डन का मतलब क्या हो? कॉस थीटा हमारा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और कॉस थीटा हमारा जीरो कब होता है? कॉस पाई बाई टू यानी कि 90 पे। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई बाई टू, और कह सकते हैं इसको 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने फोर्स तो लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो वो हो या तो इस डायरेक्शन में हो या फिर अबव डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा 90 डिग्री है। ये हमारा केस होता है कि जब हमारा कोई एक कुली होता है वो अपने सिर पे कोई बोझा ढोता है, इसकी कोई एक आदमी है वो अपने सिर पे कोई वजन रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है एम जी तो इस तरफ लग रहा है, लेकिन वो मूव किधर कर रहा है? आगे की तरफ कर रहा है। तो इस केस में भी जो हमारा थीटा है वो कितना है? 90 है। तो इस केस में अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो वर्क डन क्या होता है? वो जीरो होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर 90 पे हमारा क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? मिनिमम होता है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।